सबसे पहले तो एसी या डीसी वोल्टेज को ही जाना सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट होता है इस लाइन में। तो सपोज दैट मान लीजिए कि एसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं, मतलब नाम भी कुछ छिपा हुआ है, अल्टरनेट हो रहा है यानी मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी एक राही तरफ इसमें नहीं चल रही है, कभी प्लस की तरफ हो रहा है, कभी माइनस की तरफ हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है वो। तो अब एसी के मतलब जो करंट फ्लो करता है, अब कोई चीज भी फ्लो करता है तो उसकी एक वेव होती है, पानी फ्लो कर रहा है उसकी भी वेव होती है, हवा सबकी एक वेव होती है। तो अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है वायर वगैरह में या कोई भी वो, ठीक है, ये हो गया एसी का वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन वेव। अब साइन वेव में अब ये जैसे ये है, ये क्या है, जीरो, जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर की तरह जा रहा है तो प्लस वी, नीचे की तरफ आएगा तो माइनस वी, फिर यहाँ पे आ गया जीरो, जीरो। अब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, टाइम लाइन, ये टाइम लाइन की रेखा हो जाएगी, ये प्लस वी की वोल्टेज रेखा हो जाएगी, ये माइनस वी की, ठीक है। अब ये जो वेव बन रहा है इसका, ये जो सबसे ऊपर का ये होता है पीक, पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू होता है जो बहुत कम समय के लिए आता है, जैसे कुछ क्षण के लिए आएगा, एक बार मैंने चेक कराया था इन लोगों को, 324 वोल्टेज आता है, आएगा चला जाएगा। ये होता है पीक वैल्यू एसी का, मगर जो हम लोग मेजर करते हैं वो होता है माध्यमिक मान। माध्यमिक मान मान की वो वैल्यू लेते हैं जो जो ज़्यादा समय तक स्थिर रहे, जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज है बहुत कम समय के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए बहुत टाइम डिस्टेंस लिया, तो ये वोल्टेज ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही एक वोल्टेज फिक्स है उतना। तो ज़्यादातर जो हम लोग आरएमएस वैल्यू चेक करते हैं वो मल्टीमीटर से, ये आरएमएस वैल्यू हमको यही बोल बताता है, ठीक है, ये वैल्यू बताता है। फिर इसके बाद ये यहाँ से आया, यहाँ पे आया, तो ये जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पे कितना हुआ, 90 का एंगल बनेगा। अगर हम एंगल निकालेंगे यहाँ पे तो ऐसे ये 90 का डिग्री बनाएगा, फिर ये 180 का हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 270 नहीं 180 भाई, ऐसे है ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया एंगल की बात, और ये हो गया हमारी टाइम लाइन। अब जो होता है एसी में हमारा जो 50 हर्ट्ज बोलते हैं, ये क्या होता है, यही ये जो वेव बन रहा है कितनी बार हो रहा है, 1 मिनट में कितने बार बन रहा है, वही है फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में, 1 सेकंड। तो अब होता क्या है, एसी में हमारे यहाँ इंडिया में फिक्स है कि भैया 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज की साइकिल बनेगी, ये इंडिया में फिक्स है, यानी 1 सेकंड में ये 1 साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 साइकिल, ठीक है, ऐसे मिल के 50 बनेंगे, तब तो 1 सेकंड होगा, वो हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में हमारा 50 बार ऑन कंडीशन में आएगा और 50 बार ऑफ कंडीशन में आएगा, 1 सेकंड में 100 बार, ठीक है, 1 सेकंड में 85 बार ऑन प्लस वी है, ये माइनस वी है, ये टाइम लाइन है। तो
उसी के थ्रू पता चलेगा कि ये टाइम इस टाइम मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचने में इतना माइक्रो सेकेंड या जो मतलब टाइम लिया वो मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका, चलिए कि ये सीधा 90 के एंगल पे ही घूम रहा था, ये कितना 30 के या 60 पे रहेगा, जिग अगर जिग जैग बनाना होगा 30 या 60 बनेगा इसके एंगल पे ये कर रहा है। वर्किंग सेम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से, यहाँ पे आके एक साइकिल खत्म है इसका, यहाँ पे भी उसका वही बनेगा 180, यहाँ पे 360, क्योंकि अगर हम जैसे ये जीरो है यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, घूम के आएंगे फिर यहाँ पे 360 ही होगा, वही होता है ये यहाँ पे चला, इसकी वेव होती ही नहीं है। मान के चलते हैं अपन बस, अगर माइनस में भी वोल्टेज निकालेंगे ना तो ये भी ऐसे ही जाएगा, वेव नहीं रहेगी, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एसी की।